दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। बात करते हैं रीवा की, जहां पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने एक बैठक का आयोजन किया है, जिसमें यातायात पुलिस कर्मियों के साथ अनेक कर्मचारी भी मौजूद रहे हैं। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने शहर में 10 ऐसे स्थानों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है, जहां से ज्यादा ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित होती है और वाहनों की चोरी हो रही है। पुलिस प्रशासन बाइक चोरी और यातायात जाम से मुक्ति दिलाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। आयोजित की गई बैठक में एसपी ने कहा कि 10 स्थानों को चिन्हित कर जाम से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं उनके द्वारा कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम देने की घोषणा भी की गई है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि चिन्हित स्थानों पर नगर निगम, लोक निर्माण विभाग के साथ अन्य विभागों के द्वारा मिलकर जाम से निजात दिलाने का प्रयास किया जाएगा। आइए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा है। आप लोग ज्यादा पॉइंट पे रहते हो ना, उनका एरिया मान लो 1 किलोमीटर है, तो आपका तो केवल 250 मीटर है। 250 मीटर में आपको ज्यादा पता रहता है, चक्कर में दिक्कत हमको बहुत हो रही है, तो आप लोगों को बताना है छोटे छोटे पॉइंट इन लोगों को, आप लोग भी जहाँ खड़े होते हो आपको बताया ना, या तो किस कारण से चुड़िया छोटी है, या यहाँ पे अगर आउट ऑफ टेन 4 मीटर में चला जाए पूरा एरिया फिर हो जाएगा। जैसे हमने वो आपका एक फोन है ना, फोन पर दिया था उसमें कम के पास में फोन लग जाता है, तो हमारी मेहनत क्या है भाई ना, चुनाव में छुट्टी की चुनाव सबने किस मतदान केंद्र जहाँ पर लगाते हैं संवेदनशील होकर आपको लगाते हैं ना, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो सकती है, उपद्रव हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, चिंता करके होकर दूसरी जगह पर चारों की लगा 3 दिन पहले पेट्रोलिंग करके आ जाते और संडे को चुनाव है, शनिवार रात को नहीं घूमते, तो क्या होता खराब बैठ रही है, पैसा बैठ रहा है, फोन आते हम लोग कहते तुरंत आते हैं। अब कोई भी आदमी कह पाया कि डेढ़ महीने में पूरा नहीं आती, एक कॉल पर 3 दिन गाड़ियाँ पहुँच रही थी और प्रत्येक कॉल का जवाब पुलिस मौके पर पहुँचते दे रही थी, तो उससे क्या फर्क पड़ गया, कुछ गड़बड़ मत करना लोगों ने दबाव में बता दिया। ऐसे ही अगर आपने ये प्लानिंग कर ली कि रिमोट बनाए तो कितने दिक्कत आती है, फिर भी प्लानिंग में कितने दिक्कत ट्रैफिक सुधार के लिए प्रयास लगातार हमारी टीम द्वारा किए जा रहे हैं। इस क्रम में कई बार कई जगहों पर नई समस्याएं जन्म लेती हैं, जिससे वहाँ पर जाम की स्थिति निर्मित होती है। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक टारगेट और भी रखा है कि शहर में प्रेशर हॉर्न, पटाखे वाली बुलेट, इन पर भी हमने काफ़ी सख्ती शुरू की है। तो आज हमारी रिव्यू बैठक पर हमने ट्रैफिक की टीम से कहा है कि टॉप 10 पॉइंट चिन्हित करके दें हमें 3 दिन के अंदर, जहाँ पर सर्वाधिक जाम लगता है, जिससे कि हम नगर निगम के सहयोग से, पीडब्ल्यूडी के सहयोग से, अन्य किसी डिपार्टमेंट के सहयोग से वहाँ पर जाम से मुक्ति के प्रयास कर पाएँ और उन जगहों पर ज़्यादा फोर्स को डिप्लॉय कर पाएँ जहाँ पर जाम की संभावना ज़्यादा रहती है। कुछ इनाम भी घोषित किया गया है। हाँ, हमने ये भी कहा है कि जो हमारा ट्रैफिक का अमला रोड पर खड़ा ड्यूटी करता है उनको प्रोत्साहित करने के लिए अगर कोई चोरी की बाइक ट्रैकिंग के दौरान पकड़ता है उसको 2000 रुपीज़ कैश रिवार्ड, कोई अगर कट्टा किसी व्यक्ति के पास मिलता है उसको भी 2000 रुपये कैश रिवार्ड, कोई अगर किसी व्यक्ति के पास ट्रैकिंग के दौरान चाकू मिलता है तो उसको 1000 रुपीज़ कैश रिवार्ड हम लोग देंगे, जिससे कि हमारी टीम और अधिक मोटिवेट होकर काम कर पाए और अपराध पर भी अंकुश रख पाए।